Because we don't compare children. Ek hi ghar mein birth order different environment. My brother got an excellent opportunity, excellent environment. Humne inequality ko hatana hai. Then we also say that we are padhai likhai pe concentrate kariye. Jo karna chahte hain wo kariye. Ek strong mind rakhe. Faisle hote hain. So put your foot down and say no. This can be mashwara hai. Agar aapko mashwara maane na maane. Very important beti ho. That cannot happen. Brother is equally important. में चेंज लाएंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, अपने बायस को अपने दिमाग से हटाएंगे. सी हमने लैंग्वेज चेयरमैन, हमने कहा नो नो दिस इज नॉट फेयर, वी हैव टू से चेयरपर्सन, क्योंकि सब्जेक्ट एज वुमेन स्टडीज यू रियलाइज दैट एज वुमेन यू ओनली हैव टू असर्ट, यू डोंट नीड टू बी ब्रेव. आई डिफर विद मैडम रोमावानी जब उन्होंने कहा टेक प्राइड इन बीइंग अ वुमन. मैं चूड़ियां भी पहनती हूँ. I'm getting any confusion in the society. We don't want to create any kind of chaos in the society. हम ये चाहते हैं. उसमें I also wrote an article and उसमें मैंने लिखा. उन्होंने मुझे रात को फोन किया कि ले नहीं लिखा. तो उसमें मुझे यह देखती थी जो words इन्होंने use किए इन words का मतलब क्या है. So this is how you learn as a student. This is equally true for boys and girls. But अब हम girls पे क्यों ज़्यादा stress दे रहे हैं? हालांकि हम जब results देखते हैं, मैंने अभी उनको बाहर कहा अपने गर्ल्स में लड़कियां आउटशाइन करती हैं. वी ऑल अग्री प्रॉबली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग बाई नेचर, लड़के भी होते हैं. बट सी वी शुड नॉट सेलिब्रेट, ऑफकोर्स सेलिब्रेटेड एज शी सेड एज एन अचीवमेंट कि गर्ल्स आर डूइंग सो वेल एंड वी फील प्राउड. बट एट द बैक ऑफ आवर माइंड ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि जस्ट बिकॉज यू आर गर्ल्स यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आपको एक्सेल करना है, हर एक स्टेज पर आपको दिखाना है दैट येस As a girl or as a woman, I can do it. But बात कर रही होती हूँ तो my daughters tell me, mama, आप एक काम करो, आप किसी कॉलेज को फोन करके कहो, they'll give you some slot to give lectures. So now you don't teach. So आपका दिल करता है शायद we are bored of your lectures. क्या बोलने? सोनाना. मम्मा शिवन एक्टिविटी वो हवाई जो भी जाना होती है. आज 8 मार्च है और हर साल की तरह वेमेंस कॉलेज एमए रोड में भी ये दिन इंटरनेशनल वेमेंस डे के तौर पे मनाया जा रहा है. इस दिन की खास अहमियत ये है कि इस दिन हम एक औरत जो है उसकी जो सोशल अचीवमेंट्स है, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है या कल्चरल अचीवमेंट्स है, उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम कुछ टारगेट्स सेट करते हैं और उन टारगेट्स पे फोकस करते हैं कि उन गोल्स और उन टारगेट्स को हम आगे जाके कैसे अचीव करें.